अलंकारा हाई स्कूल, विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंकी मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक और नया टॉपिक सिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो बच्चों आज हमारे पाठ का नाम है विराम चिन्ह। तो बच्चों आज हम विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह की क्या परिभाषा होती है और विराम चिन्ह के कुछ भेद यानी कि प्रकार हम सीखेंगे। ओके, तो बच्चों पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों। और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। ओके, अब बच्चों मैं आप सभी को कुछ वाक्य दिखाऊंगी और उन वाक्यों को आपको ध्यान से देखना और समझना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों पहला वाक्य, राधा मेरी बहन है। ओके, हाँ, अब दूसरा वाक्य चित्र के अनुरूप ये आपके सामने आ गया। हाँ, राज, विजय, सरोज और रमेश चारों भाई हैं। अब बच्चों नेक्स्ट वाक्य। हाँ, तो बच्चों चित्र के अनुसार वाक्य, बच्चे क्या खेल रहे हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो चित्र में बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो इस वाक्य में पूछा जा रहा है कि बच्चे क्या खेल रहे हैं। ओके, तो बच्चे जैसे कि हमें उसका उत्तर देते हुए बोलना है कि बच्चे रस्सी उड़ी खेल रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, अब नेक्स्ट वाक्य, हाँ, लड़कियां क्या कर रही हैं। तो बच्चों जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो लड़कियां क्या कर रही हैं। हाँ, लड़कियां बातचीत कर रही हैं, है कि नहीं। हाँ, अब नेक्स्ट वाक्य, वाह कितना सुंदर इंद्रधनुष है। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में आए हुए विशेष चिन्हों पर ध्यान दें, यानी कि बच्चों अभी तक हमने जो वाक्य पढ़े उन वाक्यों में आए हुए चिन्हों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। ओके, तो आइए देखते हैं पहले वाले में। हाँ, तो बच्चों पहले वाले में हमें यह चिन्ह देखने मिला था, है कि नहीं। हाँ, यह है पूर्ण विराम का चिन्ह। ओके, अब आइए देखते हैं दूसरे वाक्य में क्या मिला था हमें देखने। हाँ, तो बच्चों दूसरे वाक्य में हमें यह दो चिन्ह देखने मिले थे, है कि नहीं। तो एक है अल्पविराम और दूसरा है पूर्ण विराम। ओके, अब तीसरे में देखते हैं बच्चों। हाँ, तो तीसरे में भी हमें पूर्ण विराम ही देखने मिला था। अब चौथे में, हाँ, तो बच्चों चौथे में यह हमें देखने मिला था, है कि नहीं। यह है प्रश्न चिन्ह, है कि नहीं। हाँ, अब पांचवे में देखते हैं बच्चों। हाँ, तो बच्चों पांचवे में भी हमें दो चिन्ह देखने मिला था, वह है एक है विस्मयादि बोधक चिन्ह और दूसरा प्रश्न चिन्ह, है कि नहीं। हाँ, तो बच्चों यह सब क्या है, विराम चिन्हों के रूप हैं। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं इनका विस्तृत रूप। तो बच्चों व्याकरण में ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ओके, आइए बच्चों अब हम कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। हाँ, तो बच्चों वाक्य, चलो मत रुको। आइए अब दूसरा वाक्य देखते हैं, चलो मत रुको। अब बच्चों देखिए ये दोनों वाक्य सेम है कि नहीं। दोनों वाक्य चलो मत रुको, चलो मत रुको, है कि नहीं। हाँ, पर वाक्य में अल्प विराम लगा के हमने वाक्य का जो भाव है वह क्या कर दिया, बदल दिया, है कि नहीं। मीनिंग जो है वो बदल दिया। तो पहले वाक्य में क्या बोला जा रहा है, चलो मत रुको, यानी कि चलते रहो, रुको मत। और दूसरे वाक्य में बच्चों, चलो मत अल्पविराम रुको, यानी कि बच्चों दूसरे वाक्य में चलो मत रुको यानी कि चलने से मना किया जा रहा है, है कि नहीं। तो बच्चों एक अल्पविराम लगा के हमने दोनों वाक्य, सेम वाक्य है पर वाक्य के भाव को यानी कि मीनिंग को एकदम से बदल दिया, ऑपोजिट कर दिया एक दूसरे के, है कि नहीं। हाँ, अब बच्चों आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। हाँ, तो बच्चों रोको मत जाने दो और दूसरे वाक्य में रोको मत जाने दो, यानी कि बच्चों ये वाक्य भी सेम है कि नहीं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, है कि नहीं। हाँ, पर अल्प विराम लगा के दोनों वाक्यों के भावों को हमने चेंज कर दिया, है कि नहीं, यानी कि बदल दिया। पहले वाक्य में रोको मत जाने दो, यानी कि उन्हें रोको मत जाने दो,
उन्हें छोड़ दो, जाने दो। और दूसरे वाक्य में रोको मत जाने दो, यानी कि बच्चों क्या कहा जा रहा है, उन्हें रोको मत जाने दो। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा, एक चिन्ह लगा के, एक विराम चिन्ह लगा के हमने सेम टू सेम वाक्य के भाव को, मीनिंग को एकदम ऑपोजिट कर दिया, यानी पूरा का पूरा बदल दिया है कि नहीं। हाँ, तो बच्चों अब हम विराम चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। किसी भी वाक्य में उसके आशय को स्पष्ट करने हेतु यों वाक्य में योग्य स्थान पर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि वाक्य में आए हुए आशय यानी कि मीनिंग को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ही क्या किया जाता है बच्चों, विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, वाक्य में प्रश्न, विस्मय आदि भावों को कैसे प्रकट करना है, यह बताने के लिए ही विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ओके, अब बच्चों हम देखेंगे विराम चिन्ह के प्रकार। ओके, तो बच्चों आइए देखते हैं पहला वाला। पहला है पूर्ण विराम यानी कि बच्चों फुल स्टॉप। अब दूसरा अल्प विराम यानी कि बच्चों कॉमा। अब तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि बच्चों इंट्रोगेशन मार्क। अब चौथा विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे हम बच्चों एक और नाम से जानते हैं, वह है उद्गार चिन्ह। ओके, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है एक्सक्लामेशन मार्क। तो बच्चों इस कक्षा में हम इन चार विराम चिन्हों का ही जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, और इससे अधिक भी होते हैं पर वो सब आप बड़ी क्लास में सीखेंगे, और इस क्लास में हम इन चार चिन्हों को ही सीखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं पहला वाला, पहले वाले की परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण विराम का परिभाषा और उसका चिन्ह। ओके, तो आइए देखते हैं। हाँ, वाक्य में जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते समय यहाँ कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है बच्चों। तो बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि जब वाक्य शुरू हो के जब वाक्य का भाव समाप्त हो जाता है, यानी हमें जो वाक्य में कहना है वह कह के हमारा खत्म हो जाता है, तो हम क्या लगाते हैं अंत में, हाँ पूर्ण विराम लगाते हैं। ओके, और बच्चों पूर्ण विराम लगाने के बाद जब हम अलग एक नया वाक्य शुरू करते हैं तो वहाँ पे उस पूर्ण विराम के जगह पे अधिक देर तक रुकते हैं। ओके, पढ़ते समय वहाँ पे अधिक देर तक रुका जाता है। तो बच्चों आइए देखते हैं अब इसका चिन्ह। हाँ, तो बच्चों पूर्ण विराम का चिन्ह होता है एक लंबी लाइन, एक सीधी लंबी लाइन होती है। ओके, पर अंग्रेजी और मराठी में जो पूर्ण विराम होता है वह होता है एक डॉट, ऐसा एक बिंदु होता है, पर हिंदी में एक लाइन खींची जाती है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप के लिए एक लाइन खींची जाती है। ओके, तो इसका हमेशा आप लोग ध्यान दिया करिए। ओके, अब बच्चों अब हम देखेंगे पूर्ण विराम के कुछ उदाहरण। ओके, तो जैसे पहला हम मेले में जाएंगे। ओके, और अंत में देखिए हमें इस वाक्य के अंत में हमें क्या दिख रहा है, कौन सा चिन्ह, पूर्ण विराम का चिन्ह है कि नहीं। हम मेले में जाएंगे, वाक्य समाप्त हो गया है कि नहीं, हम मेले में जाएंगे, तो अंत में हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। ओके, हाँ अब दूसरा वाक्य देखते हैं बच्चों। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, पूर्ण विराम यानी कि बच्चों मैं 6 बजे उठती हूँ, मेरा वाक्य खत्म हो गया, मेरा जो मुझे बोलना था वो बोल के हो गया मेरा, यानी फुल स्टॉप वहां पे लग गया, अंत में क्या लग गया, पूर्ण विराम लग गया। ओके, हाँ अब तीसरा वाक्य देखते हैं। मेरा नाम सीता है यानी कि बच्चों मुझे मेरा नाम बता के हो गया, और अंत में मैंने क्या लगा दिया, पूर्ण विराम। ओके, अब बच्चों हम अल्प विराम की परिभाषा और उसका चिन्ह देखेंगे। ओके, हाँ तो बच्चों अल्प विराम को अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। तो बच्चों आइए अब हम अल्प विराम की परिभाषा देखते हैं। हाँ, तो बच्चों पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर रुकना हो या अधिक वस्तुओं व्यक्तियों आदि को अलग अलग करना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चों जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उस वाक्य में जब हम थोड़ी देर के लिए कहीं रुकते हैं
तो वहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों। और वाक्य में एक ही तरह के वस्तुओं या व्यक्तियों के नामों को भी अलग अलग करने के लिए भी अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। ओके, तो बच्चों आइए देखते हैं अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है। हाँ, तो बच्चों अल्प विराम का चिन्ह होता है एक डॉट, और उस डॉट को नीचे की तरफ ऐसे कर्व की मतलब ऐसे गोलाई आधी गोलाई में खींचा जाता है। एक डॉट बनाते हैं और उसे नीचे की तरफ खींचते हैं। ओके, तो उसे कहते हैं अल्प विराम का चिन्ह। ओके, हाँ, तो बच्चों आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं अल्प विराम का। जैसे पहला वाक्य, आओ अब घर चलते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अल्प विराम आओ के बाद लगा हुआ है कि नहीं। हाँ, तो बच्चों हमें आओ के बाद थोड़ा सा विराम लेना है, यानी रुकना है। ओके, तो आइए वापस पढ़ते हैं इस वाक्य को, आओ अब घर चलते हैं। ओके, हाँ, अब दूसरा वाक्य पढ़ते हैं बच्चों, क्यों नहीं जरूर आऊंगी। तो बच्चों इस वाक्य में देखिए मैं कहाँ रुक रही हूँ, हाँ, क्यों नहीं के बाद है कि नहीं। हाँ, तो वापस पढ़ती हूँ मैं, ध्यान दीजिए, क्यों नहीं जरूर आऊंगी। तो बच्चों अल्पविराम जहाँ पे है वहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है। ओके, हाँ, अब तीसरा वाक्य देखते हैं, वह दुकान से गाजर प्याज टमाटर और मक्का लाया। तो बच्चों जैसे कि मैंने परिभाषा में भी आप लोगों को बताया था कि एक ही तरह की वस्तुएं या व्यक्तियों को भी अलग अलग करने के लिए अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो गाजर प्याज टमाटर और मक्का एक ही तरह की चीजों के नाम है, यानी कि सब्जियों के नाम है। तो इन्हें भी अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्पविराम लगाना पड़ेगा है कि नहीं। हाँ, तो आइए वापस पढ़ते हैं, वह दुकान से गाजर प्याज टमाटर और मक्का लाया। तो बच्चों गाजर प्याज टमाटर के बाद हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं कि नहीं, थोड़ा रुक रहे हैं, यानी कि हमने वहाँ पे क्या लगाया है, अल्प विराम लगाया है बच्चों। ओके, तो बच्चों आप लोगों को अल्प विराम समझा। ओके, अब बच्चों हम प्रश्नवाचक चिन्ह की परिभाषा और उसका चिन्ह देखते हैं। तो बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह को अंग्रेजी में इंट्रोगेशन मार्क भी कहा जाता है बच्चों। तो आइए अब उसकी परिभाषा देखते हैं। हाँ, जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चों यदि हम कोई वाक्य पढ़ रहे हैं और उस वाक्य को पढ़ते समय हमें यह भाव मिले कि उस वाक्य में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो उसके अंत में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ओके, जिस वाक्य से हमें प्रश्न पूछे जाने का भाव मिले, यानी कि हमें यह समझ में आए कि प्रश्न पूछा जा रहा है उस वाक्य में, तो उस वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा दिखता है बच्चों, ऐसा, तो ऐसे आधी गोलाई में लेते हुए नीचे की तरफ आना है और नीचे एक डॉट लगाना है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों आइए अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों जैसे पहला वाक्य देखते हैं, हाँ, घड़ी में अब कितने बज रहे हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने यह वाक्य पढ़ा तो पढ़ते समय हमें यह पता चला कि इस वाक्य में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या भाव मिल रहा है, प्रश्न पूछे जाने का भाव मिल रहा है कि नहीं। हाँ, तो अंत में हमने क्या लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, अब दूसरा वाक्य देखते हैं बच्चों, हाँ, तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चों इस वाक्य से भी हमें प्रश्न पूछे जाने का आभास हो रहा है कि नहीं। हाँ, इस वाक्य में देखिए एक शब्द आया है क्या, तो क्या का मतलब ही होता है प्रश्न है कि नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, तो यह प्रश्न है, एक तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो अंत में हमने क्या लगाए हैं इसमें भी हमने लगाया है, हाँ, वेरी गुड, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब तीसरा वाक्य देखते हैं बच्चों, हाँ, तो वह कौन सा फूल है। यहाँ भी देखिए बच्चों चित्र में वो एक लड़की पूछ रही है कि यह कौन सा फूल है, यानी कि प्रश्न पूछ रही है, वो क्या कर रही है, प्रश्न पूछ रही है हमसे कि वह कौन सा फूल है कि नहीं। तो अंत में हमने क्या लगाया है इस वाक्य के, कौन सा चिन्ह लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि नहीं बच्चों। हाँ,
तो बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को समझ में आया? ओके। अब बच्चों हम देखेंगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लामेशन मार्क, और एक और नाम से इसे जाना जाता है बच्चों, वो है उद्गार चिन्ह। ओके, तो बच्चों आइए अब हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का यानी उद्गार चिन्ह की परिभाषा और उसका चिन्ह देखते हैं। तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चों बात करते समय कभी कभी हम आश्चर्य या हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि का भाव प्रकट करते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो बच्चों ऐसे भावों को क्या प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी कि इन भावों को दिखाने के लिए यानी बताने के लिए वाक्य में कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है? उद्गार चिन्ह यानी कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ गया, इसका मतलब कि उस वाक्य में यह सब जो मैं अभी नाम आप लोगों को पढ़ी, हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, ये सब चीजें होंगी ही होंगी। ओके, तो बच्चों आइए देखते हैं अब उसका चिन्ह। हाँ, तो बच्चों यह है उद्गार चिन्ह। तो बच्चों यानी कि एक्सक्लामेशन यानी विस्मय आदि बोधक चिन्ह, कंफ्यूज मत होइए बच्चों, हिंदी में इसे दो नामों से बोला जाता है, एक उद्गार चिन्ह, एक विस्मय आदि बोधक चिन्ह, और अंग्रेजी में एक्सक्लामेशन मार्क। ओके, तो बच्चों ये कैसा दिखता है? एक लाइन होती है और नीचे उसके डॉट होता है। ओके, हाँ, तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। अब जैसे वाक्य, हाँ, कितनी अच्छी इमारत है। तो बच्चों इस वाक्य में हम क्या प्रकट कर रहे हैं? आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि कितनी अच्छी इमारत है, है कि नहीं? हाँ, तो बच्चों अंत में देखिए हमने क्या लगाया है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ओके, अब बच्चों दूसरा वाक्य, हाँ, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो बच्चों इस वाक्य में क्या प्रकट किया जा रहा है, कौन सा भाव प्रकट किया जा रहा है? हाँ, आश्चर्य का और हर्ष का दोनों भाव प्रकट किया जा रहा है, कि नहीं? वाह कितना सुंदर दृश्य है। और देखिए यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहाँ पे लगा हुआ है? वाह के बाद, क्योंकि वाह के बाद ही हम वाह जब हम पढ़ रहे हैं तभी हम अपना जो भाव है वहीं पे प्रकट कर दे रहे हैं, वाह, है कि नहीं? हाँ, तो वाह के बाद ही विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कितना सुंदर दृश्य है, अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। यहाँ पे देखिए कितना, यह कितना मतलब क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं? कितना सुंदर दृश्य है, अंत में कौन सा चिन्ह आया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, अब बच्चों तीसरा वाक्य देखते हैं। हाँ, तो बच्चों तीसरा वाक्य ये पढ़ते हैं, छी कितनी गंदगी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए छी छी के वक्त ही क्या किया जा रहा है? यहाँ पे हम अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, छी यानी घृणा, है कि नहीं? छी विस्मय आदि बोधक चिन्ह, फिर कितनी गंदगी है, यानी कि बच्चों ये देखिए यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रश्न ही पूछा जा रहा है, कितनी गंदगी है, है कि नहीं? कितनी यानी पूछा जा रहा है कितनी गंदगी है। तो बच्चों वापस पढ़ते हैं इस वाक्य को, छी कितनी गंदगी है। ओके, अब बच्चों चौथा वाक्य। हाँ, तो बच्चों जैसे कि आपके सामने चौथा वाक्य आ गया, आइए पढ़ते हैं, हे भगवान अब क्या होगा। तो बच्चों इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है, हमें क्या भाव मिल रहा है? हाँ, वेरी गुड, डर का या भय का, है कि नहीं? कि हे भगवान अब क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हे भगवान के बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, यानी कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हे भगवान के बाद ही हमें हमारा भाव जो है हमें समझ में आ जा रहा है, हे भगवान यानी हम डर के मारे या भयभीत होके भगवान का नाम ले रहे हैं कि अब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, क्या बीच में क्या आया है? प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो अंत में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ओके, तो बच्चों क्या आप लोगों को एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह समझ में आया? ओके, तो बच्चों अब है पारी
स्वाध्याय की माने एक्सरसाइज टाइम। तो बच्चों मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित जगह विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो बच्चों आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। हाँ, तो पहला प्रश्न, गाय दूध देती है। तो बच्चों देखिए इसमें हमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो आइए अब हमें क्या करना है, सही जगह पे उचित जगह पे हमें विराम चिन्ह लगा के वाक्य को वापस लिखना है। ओके, तो गाय दूध देती है, तो अंत में क्या आएगा, हाँ पूर्ण विराम आएगा क्योंकि ये सिंपल जो सिंपल वाक्य है। ओके, यानी सामान्य वाक्य है जिसमें एक चीज बोली जा रही है और वो खत्म भी हो जा रही है वहीं पे। तो यहाँ पे क्या होएगा, हमें क्या लगाना रहेगा, हाँ पूर्ण विराम। तो गाय दूध देती है, पूर्ण विराम। ओके, अब दूसरा वाक्य देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अरे हाँ कल रक्षाबंधन है। तो बच्चों अब बताइए इसमें क्या आएगा, जी हाँ इसमें क्या आश्चर्य भी प्रकट हो रहा है कि नहीं, हाँ और वाक्य कंप्लीट भी हो रहा है। तो यहाँ पे लगेगा अरे हाँ, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर कल रक्षाबंधन है, वाक्य कंप्लीट हो जा रही है तो पूर्ण विराम। ओके, अब बच्चों तीसरा प्रश्न, हाँ तो आइए पढ़ते हैं, वह छोटा पौधा कहाँ गया। तो बच्चों देखिए इस वाक्य को पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं, हमें यह भाव मिल रहा है कि इस वाक्य में हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि वह छोटा पौधा कहाँ गया, है कि नहीं। हाँ, तो आइए इसका इसमें चिन्ह विराम चिन्ह सही जगह पे लगाते हैं। हाँ, तो वह छोटा पौधा कहाँ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह, है कि नहीं। हाँ, अंत में हमने क्या लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इस वाक्य में हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है। ओके, अब चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। मुन्नी को रास्ते में स्नेहा, श्यामा और लक्ष्मी मिलती है। तो बच्चों जैसे देखिए स्नेहा, श्यामा और लक्ष्मी ये तीन लड़कियों के नाम है कि नहीं, यानी कि एक ही जाति के चीजों का नाम है कि नहीं। हाँ, तो इन्हें हम अलग अलग करने के लिए हमें कौन सा चिन्ह लगाना होगा, अल्प विराम, है कि नहीं। हाँ, तो बच्चों आइए लगाते हैं अल्प विराम। हाँ, तो बच्चों मुन्नी को रास्ते में स्नेहा अल्पविराम, फिर श्यामा और लक्ष्मी मिलती हैं। ओके, और अंत में हमने क्या लगाया, हाँ जैसे कि अंत में ये वाक्य पूर्ण हो जा रहा है तो हम क्या लगा रहे हैं, पूर्ण विराम अंत में। ओके, तो बच्चों अब है पारी गृह कार्य की, यानी कि होमवर्क टाइम। तो बच्चों आइए देखते हैं आज आपको क्या होमवर्क मिल रहा है। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य है, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयोग किए गए विराम चिन्हों के नाम लिखो। यानी कि बच्चों ये चार वाक्य आपको दिख रहे हैं और इन वाक्यों में प्रयोग किए गए चिन्हों के नाम आपको लिखने हैं। ओके, जैसे कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, इसमें कौन सा चिन्ह उपयोग किया गया है, उस चिन्ह का नाम लिखना है। ओके, अरे रे फिर अपशकुन, यहाँ पे भी कौन सा चिन्ह का उपयोग किया गया है, उसका भी नाम लिखना है आपको। गाँव के पास पुस्तक मेला लगा है, इसमें कौन सा चिन्ह उपयोग किया गया उसका नाम लिखना है। गुरुदेव उठे चल पड़े, अब इसमें कौन कौन से चिन्ह लगे हुए हैं, इन चिन्हों के नाम लिखने हैं। ओके, तो बच्चों यह है आज का आपका गृह कार्य। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से विराम चिन्ह की परिभाषा और उसके प्रकार सीखे। ओके, तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों धन्यवाद।